हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मसालेदार बैंगन आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए हमने बैंगन लिए हैं, जिसे हमने दो तीन जगह से काट लिया है, और आलू छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सब मसालों को हमने पीसना है, इसलिए इन्हें रफली काट लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की कलियां हैं, 1-1 टीस्पून जीरा और साबुत धनिया लिया है, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 चक्र फूल लिया है, 3 साबुत लाल मिर्ची और 3 हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून हींग, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2.5 टीस्पून सांबर मसाला। अभी हम बैंगन आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। मिक्सर में प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, साबुत लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, चक्र फूल, जीरा और साबुत धनिया, और इसी के बीच में हम सांबर मसाला भी डाल देंगे और हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, ये मसाला तैयार हो चुका है। आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप मिर्ची की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। पैन में तेल गरम कर लिया है, अब इसमें हींग डाल देते हैं और पेस्ट भी डाल देते हैं। थोड़ी देर इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ढक्कन लगाकर 5-6 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें बैंगन और आलू भी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिनट के लिए इसे सिम पर करके ढककर रख देंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल लेते हैं। मैं बीच बीच में इसे चलाती रही थी। अभी इसे थोड़ी देर ऐसे भून लेंगे। जिस ग्राइंडर में मैंने मसाला पीसा था उसी में ये पानी डाल दिया है। ये 1 ग्लास पानी है और इसमें 1/2 ग्लास पानी और ऐड करेंगे। अभी एक उबाल आ गया है, अब इसे 10-12 मिनट के लिए ढककर सिम पर करके हम रख देंगे। बारह मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलकर सब्जी देख लेते हैं। सब्जी तैयार हो गई है, गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए, मसालेदार बैंगन आलू की सब्जी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।